आगे ट्रापीजियम यानी समलंब की बात कर लेते हैं। समलंब में, समलंब जो क्वाड्रिलेटरल में कहते हैं, जब कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो साइड तो पैरेलल हो, दो साइड तो पैरेलल हो, इक्वल होना जरूरी नहीं है। जैसे ये साइड और ये साइड पैरेलल है, मींस आपस में कहीं भी ये नहीं काटती हैं, ये जरूरी नहीं कि इक्वली हो, दो साइड क्या हो, बस पैरेलल हो, इक्वल होना जरूरी नहीं है। दो तो पैरेलल हो और दो पैरेलल ना हो, ये कहीं ना कहीं आपस में जाके काट देंगे। दो पैरेलल हो, दो पैरेलल ना हो, तो ट्रापीजियम कहलाता है, यानी समलंब कहलाता है। ट्रापीजियम का जो चीजें होती, ट्रापीजियम में जो समलंब होता है, चूंकि ये दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल है, ये कौन सी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो इस एंगल का और इस एंगल का एडिशन क्या होता है, 180, यानी ये कोइंटीरियर एंगल हो जाएंगे दो उनके पैरेलल लाइन के। ऐसे ही इसका और इसका एडिशन कितना हो जाएगा, इसका इसका एडिशन हो जाएगा, ये भी 180, चूंकि ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और इनका एडिशन क्या होगा, 180। ठीक है, जो समलंब होता है, ट्रापीजियम होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, ये होता है 1/2 ए प्लस बी, माना साइड ये ए है, ये पैरेलल लाइन जो थी ये बी है, जो दोनों पैरेलल लाइन है इनका जोड़ इनटू हाइट, हाइट यानी डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो पैरेलल लाइन है कि कहीं से भी लगा लीजिए, चाहे यहां से लगा लीजिए, चाहे यहां से लगा लीजिए, होगी भी इक्वल, ये जो पैरेलल लाइन कहीं से भी लगाओगे तो डिस्टेंस इतनी ही आएगी, 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट लिख दो या डिस्टेंस कर दो, इनके बीच की डिस्टेंस जो है। ठीक है, ये जो पैरेलल है, इस हाइट इसलिए यहां पर हाइट इसलिए पैरेलल है, यही हाइट है, ये ऐसे भी बना हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है, काफी बड़ा कोई बात आती है, पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, तब आप सर ऐसे मान लीजिए, हाइट मान लीजिए, डिस्टेंस मान लीजिए। ठीक है, तो ये इसका एरिया होता है, 1/2 दोनों पैरेलल लाइन का जोड़ इंटू हाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना इसके लिए, ये हुआ एरिया के बाद। इसके बाद यही ध्यान देना, इसी में, इसी में क्या होता है, देखो माना कभी कई बार हम इसके अगर डायगोनल खींच दें, ये हम इसके खींच देते हैं डायगोनल, तो ये डायगोनल से आपको कुछ चीज पता लगेगी, माना हमने ये ऐसे डायगोनल मिला दिए, ये मिला दिए, इससे हमने ये डायगोनल ये मिला दिया, ये डायगोनल कहाँ काट रहे हैं, वहां ये ओ पे काट रहे हैं डायगोनल। ठीक है, तो इससे आपको एक बात पता चलेगी, देखो ये आमने सामने के एंगल, ये तो क्या हो गया, अपोजिट एंगल हो गया, तो इक्वल हो गया, ये अपोजिट एंगल है, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये एंगल, ये एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे, जो पैरेलल लाइन के ए साइड एंगल है, ये कौन से एंगल होंगे, ये अल्टरनेट एंगल, माना ये एक्स है, ये एक्स हो गया, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ये इक्वल होंगे। ऐसे ही इसमें देख लीजिए, जब ये पैरेलल लाइन है और ये वाले एंगल क्या होंगे, ये अल्टरनेट यानी एक आपतन कोण होंगे, माना ये वाई है, तो ये भी क्या हो गया, वाई हो गया। तो देखो तीनों एंगल इस वाले ट्राइंगल के, ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के, तीनों एंगल इक्वल हो गए, ये तो आमने सामने की वजह से, अपोजिट की वजह से हो गए, ये इस वजह से एक अल्टरनेट से एक से हो गए। तो ये वाला जो ट्राइंगल है यानी ओ ओ डी सी, जो ओ डी सी है ये किसके इक्वल हो गया है, ओ एक्स ओ ए बी के, ये क्या है, सिमिलर हो गया है, ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर हो गया है। देखो पहले हमने वाई लिया है, तो यहां भी वाई लोगे, ओ बी ए के, ट्राइंगल ओ बी ए के क्या हो गया है, सिमिलर हो गया है। ठीक है, ये हो गया तीन एंगल की वजह से हो गया। अब इसमें की जो बातें होंगी, मानो उसने कई बार ये दे देगा कि जो इंटरसेक्ट करते हैं इनकी डिस्टेंस दे देगा, ऐसे हो गया, इसकी डिस्टेंस देगा, इसकी डिस्टेंस पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओडी, क्योंकि किस वजह से, चूंकि सिमिलर की वजह से, ओडी ये ओ वाला और वाई वाला, ऐसी ओडी अपॉन ओबी, ओडी अपॉन ओबी, ओडी अपॉन ओबी इक्वल टू क्या, ऐसी इस वाले का ओसी अपॉन ओए, ओसी अपॉन ओए, ये दो साइड होगी, ऐसे ही इक्वल टू किसका होगा, तीसरी साइड के वाला, डीसी अपॉन, चूंकि पहले हम इस ट्राइंगल की बात ले रहे हैं चीजें, तो पहले इसी ट्राइंगल की लो समझिए, तो डीसी अपॉन क्या, ए बी, डीसी अपॉन ए बी। अगर इसमें अब हमें मान दिए हो, इसका इसका मान दिया है, इसका दिया हुआ है, इसका पूछा है, तो हम बता सकते हैं, क्योंकि हम ये वाला रख लेंगे, ये और ये वाला ये ले लेंगे, ये वाला होगा निकल जाएगा। ठीक है, या इसका इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी दी हुई है, इसकी पूछी है,
तो कोई भी दो दी है इसी तरह से हम ये निकाल लेंगे, सिमिलर से लगा कर ये निकाल लेंगे। तो ये ध्यान देना, ये कभी भी पूछता है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया हो, ये सिमिलर हो गया इस वजह से हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट ध्यान देना, माना अगर इसी में यही था ट्रापीजियम ही है, और ट्रापीजियम में ही कई बार क्या दे देता है, माना ये ट्रापीजियम है, ये ट्रापीजियम खींचा हुआ है, ट्रापीजियम है ए बी सी डी, ध्यान देना सीधी लाइन है, ये जरूरी नहीं है टीढ़ा मैंने खींचा है तो टीढ़ा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो खींचने में कोई स्केल नहीं है, टीढ़ा हो जाता है। ये माना ए बी है और ये सी डी है, ठीक है, सीधी लाइन है। तो इसमें पूछा है आपसे, इसमें कभी बोल देता है कि ई एफ, ये कहीं भी बिंदु ले लिए इसने ई एफ, ये जरूरी नहीं मिड पॉइंट पे, ये जरूरी नहीं मिड पॉइंट पे ही है, और इसे बोल दिया कि ई एफ जो है ये पैरेलल है इसके, जो ई एफ है ये पैरेलल है ए बी के और सी बी के पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल बोल जाएंगे, पैरेलल है तो मीन्स ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, क्योंकि ये कौन से होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और ये क्या होगा इनका एडिशन 180, क्योंकि ये इक्वल इंटीरियर हो जाएंगे, ठीक है। वो एंगल वाली बात अगर पूछता है तो वो निकाल देना उस समय पर। देखिए इसमें कई बार क्या होता है, इसकी यहाँ का दे देगा डी ई दे देगा, ई ए दे देगा, ये सी एफ दे देगा, ये दे देगा, इनकी वैल्यू पूछेगा, किसी एक की वैल्यू पूछ सकता है, इसकी दे देगा, इसकी दे देगा, इसकी दे देगा, इसकी वैल्यू पूछेगा। तो ध्यान दे दो, जब भी ये पैरेलल होगी अगर लाइन पैरेलल खींची हुई है तो ए मतलब ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, ए अपॉन ई डी इक्वल टू, इधर से नीचे से लिया है तो इधर से नीचे से लोगे, बी अपॉन बी एफ, बी एफ अपॉन एफ सी, अगर ऊपर से लेते डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी, यानी इनका रेशियो सेम होता है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है, क्योंकि गेम जो भी आप खेलोगे उस गेम के नियम क्या है, रूल्स क्या 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 अप्लाई कर सकते हैं, उनका पता आपको होना चाहिए, पता है तभी आप आगे खेल पाओगे, ठीक है। बिल्कुल मैथ को कभी भी ऐसा समझना ही नहीं है कि मैथमेटिक्स कर रहे हैं, ये मान के चलिए हम गेम कर रहे हैं और गेम खेल रहे हैं, तो गेम के लिए हमें नियम पता होने चाहिए भाई, क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, तो ये नियम है, ये रूल है कि आप अगर ऐसा दिया हुआ पैरेलल है तो ये इसके रेशियो के हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान देना होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें ध्यान देना, अगर ये मिड पॉइंट में है, माना इसकी जगह क्या दे दिया है, मिड पॉइंट दे देता है कई बार, चलो माना अभी पहले हम ये लगा लेते हैं कि ये तो हमें दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये दे देते हमें दिया था माना एक्स, और ये दे दिया वाई, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू क्या दे दी, ये एक्स दे दी और ये वाई दे दी। तब ई एफ की कई बार डिस्टेंस पूछने लगता है, बोलेगा कि ई एफ की डिस्टेंस क्या है, तो अगर ई एफ की डिस्टेंस आपको निकालनी हो कभी भी, यहां पर इनका कुछ वैल्यू दे देगा 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इनकी दे देगा, तब ई एफ की पूछकर ई एफ की डिस्टेंस क्या है, तो ई एफ की डिस्टेंस जब भी निकालनी हो, देखो जो ये ऊपर वाला है इसकी तो मल्टीप्लाई होगी इसमें, ध्यान कर लेना ये ऐसे है ना एक्स और वाई ऐसे बटे, तो इसकी मल्टीप्लाई किसमें होगी, इस वाली पैरेलल लाइन वाले में, ए एक्स प्लस इसकी होगी इसमें प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, समझ आ गया आपको। देखो माना अगर इसकी वैल्यू दी हुई है यहां पर, ये बोला कि डी सी 6 सेंटीमीटर है, और ए बोल दिया ये वाला जो था ए बी 8 सेंटीमीटर है, क्या बोल दिया ये 8 सेंटीमीटर है, और इसमें बोल दिया कि ये जो है ये वाला ये एक 2 सेंटीमीटर है और ये एक 3 सेंटीमीटर है, तब बोला कि ई एफ की वैल्यू बताइए कितनी है, तो ध्यान दे लीजिए इसकी मल्टीप्लाई किसमें होगी इसमें, 2 8 16 प्लस 3 6 18 अपॉन में एक्स प्लस वाई 2 3 5 कितना हो गया देख लीजिए 8 6 5
14, 1, 2, 3, 34 upon 5, यानी कितना आ गया 6.8। ठीक है, तो आप ई एफ की वैल्यू का ऐसे निकालनी हो कभी भी निकाल सकते हैं। ध्यान कर लीजिए, ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, नियम है, पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, फिर बोलोगे कि भैया हमें नहीं आती, आएगी तो तब पहले आपको सब बातें पता होंगी, क्या क्या चीजें होती हैं, जितनी कम से कम बातें हैं वो हमें तो पता हो। ठीक है, तभी तो निकलेगा। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको इसकी एफ की डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा, कभी कभी क्या दे देगा, बिल्कुल इसमें दे देगा, यहीं पर, ये नहीं देगा, ये देगा बस, और ये भी नहीं, ऐसे बस एक्स और वाई में एस क्या बोल देगा, ई एफ को क्या बोल देगा, मिड पॉइंट है, ई एफ को क्या बोल देगा, ये मिड पॉइंट पर है, मिड पॉइंट है, मीन्स ये और ये दोनों कैसे हैं, एक से हैं, कुछ भी ले हो सकते हैं, वन वन भी हो सकता है, चार एक्स एक्स भी हो सकते हैं, दोनों मिड पॉइंट पर है, तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, कुछ भी चीज हो सकती है। ठीक है ना, तब पूछेगा, तब बोलेगा मिड पॉइंट पर है, तो बताइए इसकी डिस्टेंस क्या है। आप देखिए, जब ये एक से हो जाएंगे, यानी एक ही एक हो गए, यहाँ भी वन रखते हैं, यहाँ भी वन रखते हैं, तो ए प्लस बी हो गया, वन प्लस वन अपॉन टू आ गया, यानी फिर क्या हो जाता है, ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ के और उसका आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, यही मिड पॉइंट है। ध्यान कर लो, कब के लिए, मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट पे है तब ई एफ निकालनी है आपको, अगर मिड पॉइंट पर दिए हैं तब ई एफ की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इसको प्लस करो और उसका हाफ कर दो, तो ई एफ की वैल्यू हमें पता चल जाती है। ये दोनों एक्स 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 रखती तो भी देखो इससे निकल जाएगा ना, सीधेगा, ये आपने एक्स रख दिया, दूसरा भी क्या रख दिया, एक्स रख दिया, बी एक्स अपॉन ये एक्स और एक्स कितने हो गए, प्लस एक्स, दो एक्स हो जाएंगे, ऊपर से एक्स वो आ जाएगा कौन, ए प्लस बी अपॉन कितना, नीचे टू एक्स, एक्स एक्स खत्म, तो कितना, ए प्लस बी अपॉन टू, यानी जो भी इनकी वैल्यू दी हुई है उससे सीधा निकाल दो, बिल्कुल सेकंड लगेंगे क्वेश्चन निकालने में। उसने बोल दिया कि एक ट्रापेज़ियम है जिसकी पैरेलल साइड 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर है, उनके जो नॉन पैरेलल साइड है उनका जो मिड पॉइंट है उससे खींची गई लाइन की लंबाई बताइए, तो 9 और 5 था, 9 5 14 अपॉन 2 कितना 7, सीधा हुआ 7 सेंटीमीटर, बिकॉज आपको वैल्यू उसकी पता है। अगर मिड पॉइंट पर नहीं है तो सीधा इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसकी इसमें अपॉन दोनों का इनका प्लस कर लीजिए। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आपके। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इसका कई बार क्या पूछेगा, इसी का एरिया, एरिया हमें कुल तो पता है, टोटल एरिया तो हमें मालूम है, और ये मिड पॉइंट दे देगा, ध्यान करना मिड पॉइंट, जब मिड पॉइंट दिए हो, मिड पॉइंट है क्या, ई एफ, ई एफ क्या है, मिड पॉइंट, और तब क्या पूछे, इस वाले एरिया का जो ये है और इस एरिया का, ये वाला जो एरिया है, इनका रेशियो पूछने लगे, वाला ये ए था ये बी था। ठीक है, जब इनका एरिया का रेशियो पूछने लगे कि इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो, तो अगर इसका निकालना है देखो, तो इसका तो सीधा करो, अगर जब इस वाले का निकालोगे तो 3a प्लस ये वाली साइड b अपॉन, नीचे इसका लिखोगे जो रेशियो कितना हो जाएगा, 3b प्लस a, ये इसका और इसका रेशियो है, कौन से का, यानी क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो गया, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई अपॉन जो ट्रापेज़ियम है ऊपर वाला कौन सा है, ई एफ सी डी, ई एफ सी डी इनका एरिया का रेशियो है। ठीक है, जो एरिया का रेशियो है इनका और इनका, तो ध्यान रखना कि अगर इसका लिखोगे ऊपर वाले का पहले लिखना चाहते हो तो 3b प्लस a अपॉन ऊपर लिखो 3 और नीचे 3a प्लस b, तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अगर इनका मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट में फिर इनका रेशियो पूछे कि इनका रेशियो क्या होगा, तो ऐसा नहीं कभी बोलो 1:1 होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये ज्यादा हो जाता है देखिए और ये कम हो जाता है, हो गए, अगर ट्रापेज़ियम है समलंब है तो इनके रेशियो का हमेशा ऐसे निकालते हैं 3a प्लस b और 3b प्लस a, तो इसे ध्यान रखना अच्छी तरह से। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, मैं समझता हूँ आपके। अच्छा, इसी में मिड पॉइंट से ही एक बात हो, कभी कभी क्या होता है, इनके डायगोनल का मिड पॉइंट दे देगा, ये नहीं करेगा, क्या बोलेगा
ये बोलेगा ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, और इस डायगोनल का ये जो डायगोनल है इसका ये मिड पॉइंट था, और इस डायगोनल का ये मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट ज्यादा क्योंकि ये बड़ा नीचे आएगा, आपको अगर साइड छोटी है तो नीचे ही आएंगे, ये मिड पॉइंट दे दिए, और ये पीओ क्यू है, ये क्या है पी क्यू बना था, और इस पी क्यू की डिस्टेंस पूछने लगे आपसे कि पी क्यू की लंबाई कितनी है, जो पी क्यू मिड पॉइंट थे हमने मिलाए, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया, फिर तो उसकी लेंथ क्या है पी क्यू, पी क्यू की ये लेंथ होती है, हमेशा ध्यान रखना ये दोनों जो साइड है, ये दोनों जो पैरेलल साइड थी इनका डिफरेंस जो बड़ी है उसमें से छोटी वाली घटा दो और अपॉन हाफ कर दो। जब साइड का मिड पॉइंट थे तो दोनों को प्लस किया था बटे टू कर दिया था, अब डायगोनल का मिड पॉइंट है इसकी हमें लेंथ निकालनी है, तो क्या करो ए माइनस बी अपॉन टू, ए माइनस बी अपॉन टू, ये आपकी बात समझ में आ रही होगी। देखो ये डायगोनल का मिड पॉइंट है ए माइनस बी अपॉन टू, तो आपको यहां तक आ जाए इस ट्रेपेज़ियम की बात समझ आ गई हो, यही बातें हैं और बात इसमें नहीं है, कोई एक आज छोटी मोटी कहीं होगी और क्वेश्चन में आ जाएगी होगी, तो मेरे हिसाब से आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपको ये सब बातें एक बार कई बार वीडियो देख लोगे तो आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे आपको ध्यान आ जाएगा, अच्छा कौन सी वाली बात ये है, अच्छा ठीक है हमने ये लगा देते हैं, तो सेकंड लग दी जाएंगे क्वेश्चन आपका सॉल्व होता जाएगा। इन वीडियो को कई बार देखिए, बेसिक अच्छी तरह समझ लीजिए, बेसिक कभी भी क्या चीज है, बेसिक है मैथ का एक तरह से गेम के नियम, खेल के नियम है, आपने खेल के नियम समझ लिए कि भाई इसमें ये वाली चीज ये वाली की है इसका काम करेगी, ये की इसका काम करेगी, ये ऊपर ले जाने के लिए, जब आपको गेम के नियम पता चल गए तो आप गेम आसानी से खेल लोगे, और बिल्कुल ऐसा खेलिए मैथ कभी भी ऐसे मत करिए मैथ को कि हाँ बहुत यार मैथमेटिक्स कर रहे हैं, मैथ कैसे खेलिए, अच्छा ठीक है भाई हम बैठ गए हैं नियम हम पता है अब हम देखो गेम खेलेंगे, गेम खेलेंगे हंसी खुशी खेलते चलेंगे, ये इसका ऐसे हो गया इसका ऐसे हो गया, बिल्कुल एंजॉय के साथ कीजिए, जब मैथ कीजिए बिल्कुल एंजॉय के साथ, ज्योमेट्री तो स्पेशली एंजॉय के साथ कीजिए, बिल्कुल उसमें देखकर जैसे हम वो कर रहे हैं कोई खेल रहे हैं रीजनिंग में कर रहे हैं या हम गेम में कोई इस तरह से खेल रहे हैं आकृति वाला या किसी चीज का, तो ऐसे खेलिए मोबाइल में गेम की तरह से और बिल्कुल एंजॉय के साथ करते जाइए, हो गए आसानी से क्वेश्चन के क्वेश्चन होते जाएंगे, मार्क्स के मार्क्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंजॉय।